हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था स्टूडेंट वो था टेंस, और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो हमारा था वो था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा चल रहा था फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हमने सेंटेंसेस कंप्लीट किए थे स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट नोट, इन ट्रेडिशनल इंग्लिश सेल इज यूज्ड आफ्टर आई और वी। ओके स्टूडेंट, एंड विल इज यूज्ड आफ्टर ही सी इट यू दे एंड एनी से एनी नेम, बट Nowadays, will is used instead of a cell, I or we, and cell is used instead of will, he, she, it, you, they, etc. Is that clear, student? यहाँ तक। अब ये जो next है student, और इसमें first use of use, the first student action that has to take place in future. Action that has to take place in future, कि भविष्य में जो होने वाला है स्टूडेंट उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे टेक सम एग्जाम्पल्स, He will go to Jaipur. Next, you will do your work now. Third, she will go to Chandigarh today. So there are three sentences. Okay student, action that has to take place in future, भविष्य में होने वाले जो कार्य है उनके बारे में ये उनकी तरफ संकेत करते हैं स्टूडेंट। जैसे ही विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगा। ओके स्टूडेंट, गया नहीं है, जाएगा। ओके, तो ही विल गो टू जयपुर। ओके स्टूडेंट, तो इन फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट यू विल डू योर वर्क नाउ, कि अब आप अपना काम करोगे। तो किया नहीं उसने, करोगे, करेगा वह काम। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए इन फ्यूचर की बात हो रही है इसमें भी। नेक्स्ट सी विल गो टू चंडीगढ़ टुडे, आज वह चंडीगढ़ जाएगी, गई नहीं है। ओके स्टूडेंट, इन फ्यूचर प्लान की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस कंडीशन एक्शन दैट हैव टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या शो करता है स्टूडेंट, ये टू एक्सप्रेस होप एंड expectation expectation
ओके स्टूडेंट, टू एक्सप्रेस होप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, I think she will get the job. I think she will get the job. कि मैं सोचता हूं she will get the job, कि वह जॉब प्राप्त करेगी, उम्मीद है उसे। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? होप एंड एक्सपेक्टेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, आई होप ही विल गेट गुड मार्क्स। यू होप ही विल गेट गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द सन विल शाइन ब्राइटली टुडे। द सन विल शाइन ब्राइटली टुडे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये भी उम्मीद शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, एक आशा शो कर रहा है, एक एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, और जहां पर होप एंड एक्सपेक्टेशन की बात हो तो वहां पर फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, प्रॉमिस ऑर्डर सर्टेनिटी डिटर्मिनेशन थ्रेट ईटीसी। दीज वर्ड्स आर प्रोमिस ऑर्डर सर्टेनिटी डिटर्मिनेशन थ्रीट ईटीसी एक्सेट्रा। अगर स्टूडेंट ये फील होते हैं सेंटेंस में, अगर ये फील हो रहे हैं स्टूडेंट कि प्रोमिस है सेंटेंस में, या ऑर्डर दिया हुआ है, या सर्टेनिटी दी हुई है, या डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, या थ्रीट दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इन दिस केस विल will is used instead of shall, I or we. Is that clear student? Promise, order, certainty, determination, threat, etc.
अगर ये फील हो रहे हैं सेंटेंस में स्टूडेंट, तो इट मींस कि विल इज यूज इंस्टेड ऑफ सेल आई और वी, इज दैट क्लियर? कि सेल के स्थान पर या सेल के बजाय हम विल का यूज करेंगे और किन के साथ? आई और वी के साथ यूज करेंगे, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जो कि हमने फ्यूचर टेंस में किया था कि आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, और इन दिस केस अगर प्रोमिस दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, सर्टेनिटी दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, थ्रीट दिया हुआ है सेंटेंस में, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है स्टूडेंट, तो वी कैन यूज विल इज यूज इंस्टेड ऑफ सेल आई और वी, इज दैट क्लियर? Examples. I will help you. I will help you. Okay, student. तो आई के साथ हमने क्या यूज किया? विल का यूज किया. ओके, आई विल हेल्प यू. कि अब इसमें क्या शो हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है स्टूडेंट? कि इसमें शो हो रहा है कि प्रोमिस. ओके स्टूडेंट, इसमें क्या शो हो रहा है? प्रोमिस शो हो रहा है. तो इसलिए प्रोमिस इस सेंटेंस में शो हुआ है, और इसी कारण हमने आई के साथ विल का यूज किया है. ओके स्टूडेंट, वी विल गो टू योर हाउस टुडे. वी विल गो टू योर हाउस टुडे. अब यहां पर भी क्या सो रहा है स्टूडेंट? कि इसमें भी प्रोमिस सो रहा है. वी विल गो टू योर हाउस टुडे, कि आज हम आपके घर आएंगे. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर वी के साथ जो कि सेल का यूज होता है, बट यहां पर हमने वी विल का यूज किया. क्यों किया? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या सो रहा है स्टूडेंट? प्रोमिस सो रहा है. ओके स्टूडेंट, तो इसी कारण स्टूडेंट हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं. विल इज यूज इंस्टेड ऑफ सेल. ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल. ही सी इट यू एंड दे. I examples. He shall help you. अब यहां पर भी स्टूडेंट प्रोमिस की बात हुई है, प्रोमिस है, बट यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, और आई और वी के साथ किस केस में स्टूडेंट? जब सेंटेंस में प्रॉमिस, ऑर्डर, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन, थ्रीट अगर दिया हुआ है, तो हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, और जो बाकी बच गए ही सी इट यू दे, इनके साथ हम सेल का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ही सेल हेल्प यू, इसमें क्या शोर है? प्रोमिस शोर, प्रोमिस.
बॉयज शैल बी पनिश्ड. बॉयज शैल बी पनिश्ड, इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें थ्रीट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हम विल इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ शैल, आई और वी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, शैल इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ विल, ही सी इट यू दे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, एडवर्बियल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. Adverbials of future indefinite tense. Adverbials of future indefinite tense. Tomorrow. Next day, next day, night, week, etc. etc. Next, the following day, night, week, month, etc. etc. Next, the coming day, week, month, etc. Adverbials of future indefinite tense, students, tomorrow, next day, night, week, etc. etc. The following day, night, week, month, etc. etc. The coming day, week, month, etc. etc. Is that clear, student? These are adverbials of future indefinite tense. Okay, student. Next, examples. Ram will, Ram will go to his office tomorrow. Okay student, Ram will go to his office tomorrow. Tomorrow is a adverbs of future indefinite tense. Is that clear student? तो identify होता है, अगर tomorrow given है student, तो it means कि future indefinite tense का ही use करना है. Future indefinite tense में जो will shall होता है student, उसका use already मैंने आप लोगों को बता दिया है कि will का use होता है I or sorry, will का use होता है he, she, it, you or they, and shall का use होता है I or we के साथ. Okay student?
तो राम विल गो टू हिज ऑफिस टुमारो. टुमारो इज एडवर्ब ऑफ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल, माय ब्रदर विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक. माय ब्रदर विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक इज सोई फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट वीक इज ए एडवर्ब ऑफ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. ओके स्टूडेंट, तो इससे आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट कि ये किस तरफ, ये टुमारो नेक्स्ट वीक, ये किस तरफ रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की ओर रेफर या संकेत कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो इट मीन्स कि हमें फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का यूज करना है. ओके स्टूडेंट, तो ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में स्टूडेंट जैसे कंटीन्यूअस है, ये क्या शो कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस में एक्शन की कंटिन्यूटी शो कर रहा है. ओके स्टूडेंट, और फ्यूचर यूज हुआ है तो इट मींस कि हमें विल सेल का यूज करना है. ओके स्टूडेंट, और यहां पर कंटिन्यूटी शो हो रही है एक्शन की, तो इट मींस कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है. इट मींस कि हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है इन दिस टेंस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट एक्सप्रेसेस continuation, it expresses the continuation of the action in future. It expresses the continuation of the action. कार्य की कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करता है ये. ओके स्टूडेंट, किसमें? फ्यूचर टेंस में. ओके तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं. कंटिन्यूशन इट मींस कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है एक्शन की. ओके स्टूडेंट, और कंटिन्यूटी शो कर रहा है और फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इसमें होता है जैसे एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है कि रहा होगा, रही होगी या रही होंगे. ओके स्टूडेंट, ऐसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होंगे एंड ऑफ द सेंटेंस वाक्य के अंत में, जिसे ये आइडेंटिफाई होगा स्टूडेंट कि हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है. ओके अब इसमें भी फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentence, formula, subject plus will, shall plus
बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, दिस फॉर्मूला इज ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट। और फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर प्लस में बी, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस में आईएनजी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। इज दैट क्लियर? यहां पर विल सेल का यूज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है और बी का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स, ही विल बी वॉचिंग ए मूवी। ही विल बी वॉचिंग ए मूवी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें स्टूडेंट, तो ही के साथ विल का यूज किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मूले में, बी दिया हुआ है तो बी का यूज किया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया हमने। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने आईएनजी का यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए मूवी, और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल है। ओके स्टूडेंट, इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, I shall be singing a song. I shall be singing a song. Okay, student. तो I के साथ shall का use होता है, तो shall का use किया हमने, उसके बाद next step क्या, be, फिर verb की first form plus ing और next object क्या, a song. Is that clear, student? तो these are affirmative sentence. Okay student, next negative sentence. Negative sentence में क्या होता है student, कि helping verb के बाद not का use किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज नोट का यूज किया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और से। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल सेल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट का यूज किया, नोट, फिर प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए जाते हैं। एग्जांपल्स, ही विल नॉट be driving driving he will be not
ही विल नॉट बी ड्राइविंग